निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने को लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली। इसी कड़ी में हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने कहा, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। टीम गठित कर दी गई है, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को भी हिदायत दी है कि धार्मिक, जातिगत या समाज में द्वेष फैलाने वाली बयानबाजी न की जाए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो जिला प्रशासन है उसने भी फरीदाबाद लोकसभा में चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम सिंह यादव जी, इनसे हम जान लेते हैं। सर, आज पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया, क्या कुछ तैयारियां आपकी? हमारी तरफ से तैयारी पूर्ण है और साथ ही जो फेज वाइज तैयारी करनी है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शेड्यूल आया है उसके तहत 25 मई को फरीदाबाद में और हरियाणा में इलेक्शन होंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे वोटर्स हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी के वोट नहीं बने हैं तो कृपया करके चेक कर लें एक बारी, और दूसरा अप्लाई कर लें जल्द से जल्द, क्योंकि अभी भी टाइम है उनको वोट बनाने के लिए। वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BLO के पास चले जाएं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सर, टोटल वोटर्स की बात करें दोनों जिलों में तो कितने टोटल वोटर्स हैं, कितनी महिला मतदाता हैं, कितने पुरुष हैं? फरीदाबाद जिले में 16,99,000 के करीब वोटर्स हैं और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम देखें पलवल को मिला के तो करीब 23,80,000 वोटर्स हैं। तो इसके साथ ही जो हमारी महिला वोटर्स हैं वो 10,88,000 हैं और जो पुरुष वोटर्स हैं वो 12,90,000 के करीब हैं। सर, बात करें जिस तरीके से आचार संहिता लागू है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है, कोई चाहे प्रत्याशी है या फिर अन्य कोई है, तो इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक गाइडलाइन भी ECI की तरफ से आ रखी है, तो वो भी हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। और साथ ही अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो चाहे RP Act या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके तहत कार्रवाई हो या फिर IPC के तहत हो या फिर और किसी स्टैट्यूट या लॉ में कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई जरूर करी जाएगी। सर, कई बार बुजुर्ग होते हैं, उनको आप देखते हैं गोद में उठा के वोट डलवाने के लिए ले जाते हैं, उनके लिए क्या कोई अलग से सुविधा? तो बिल्कुल ही उनके लिए भी सुविधा करी जाएगी कि अगर वो बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो हम गाड़ी भी भिजवा देंगे, अगर किसी को व्हीलचेयर चाहिए तो व्हीलचेयर भी मतदान केंद्रों पे मुहैया करवाएंगे। इसके साथ ही अगर घर पे जो बिल्कुल ही असमर्थ है, जो पोलिंग बूथ तक आ ही नहीं सकते, तो उनके लिए घर पे वोटिंग का प्रोविजन रखा जाए। 62% के करीबन पिछली बार वोट परसेंटेज रहा, अब की बार वोट परसेंटेज बढ़े, इसको लेके क्या कदम आप? तो इसको लेके जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी स्वीप की जो एक्टिविटीज चलाई जाती हैं, तो वो भी हमारी तरफ से चलाई जा रही हैं। इसमें चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वीडियोस हो, या फिर लोगों को प्रेरित करना हो, या फिर बीच में कुछ प्राइजेस भी हमने दिए हैं। तो इसके अलावा सिनेमा हॉल्स में भी वीडियोस चलाई जा रही हैं, या फिर कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में भी जो नाटक करे जा रहे हैं वो भी हैं, या प्रभात फेरीज हैं वो उनका भी वो उनको भी ऑर्गेनाइज करा है। इसके अलावा बाकी चीजें भी करी जा रही हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और जो वोटिंग परसेंटेज हमारा पिछली बार 62% था तो उसको हम कोशिश करके 75% के करीब लेके जाए। फेसबुक या यूट्यूब पर अगर कोई पेड न्यूज चलाता है या कहीं अन्य तरीके से चलाता है तो क्या कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई? तो बिल्कुल ही जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर जो बना है तो वो DC ऑफिस में ही बना है, उसमें सभी न्यूज चैनल्स भी या फिर जो केबल TV के चैनल्स हैं या फिर रेडियो भी है या फिर जो प्रिंट मीडिया में जितने भी अखबार आते हैं या सोशल मीडिया भी, वो सारी मॉनिटर करी जाएगी। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई पेड न्यूज होती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी कहा गया है कि इन सभी चैनल पे अगर कोई अपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहता है तो उसके लिए प्री सर्टिफिकेशन की कंडीशन है, तो प्री सर्टिफिकेशन भी वो इसी सेंटर पे आके करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, इसको लेकर तमाम तरह की टीमें जो अलग अलग गठित की गई हैं, यदि कहीं भी कोई खामी दिखाई देती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।